Assalamu alaikum and a very warm welcome to Dr. Nasheeba Salman Skin Solutions. Dr. Nasheeba Salman, your own skin doctor. आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन इशू पे जो कि है ओपन पोर्स, उसके अलावा वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स. मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि इसके साथ आपको पिंपल्स भी बन रहे हैं, बट जो ऑयली या ऑयल प्रोन स्किन या एक्नी प्रोन स्किन्स होती हैं उनके ऊपर, या जब पोर्स आपके क्लॉग हो जाएं, किसी भी वजह से हो सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है, उसमें रॉन्ग चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स हो सकती है कि आप जो चीज़ें लगानी चाहिए या आपकी रूटीन में होनी चाहिए वो नहीं है, उसके अलावा आप डीप क्लेंस नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है. अब हम आ जाते हैं कि इसमें वाइट हेड्स क्या है. आपको छोटे छोटे जो है वो सीबम के बने हुए बॉल्स की तरह के, या आपको सीबम इकट्ठा हुआ हुआ स्किन के ऊपर नज़र आएगा. ओपन पोर्स, आपको पता है कि ओपन पोर्स जो हैं वो कैसे दिखते हैं, और जिनको होते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है. उसके अलावा ब्लैक हेड्स जो हैं उसमें आपको ब्लैक जो है वो डर्ट या डस्ट, जो भी आप समझ लें, या जो आपकी कैरेटिन का प्लग हम लोग कहते हैं, वो आपको फंसा हुआ नज़र आता है. इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि आपने पोर्स को क्लॉग नहीं होने देना. जब आपने पोर्स को क्लॉग नहीं होने देना तो आपकी रूटीन में चंद चीज़ें ज़रूर शामिल होनी चाहिए. वो क्या है? एक आपका जो है वो टोनर प्लस क्लेंजर होना चाहिए, जो कि आपके टोन करके रखता है आपके पोर्स को. फिर आपका अप्रोप्रिएट या सूटेबल फेस वॉश होना चाहिए, वो ज़रूर होना चाहिए आपके पास. फिर उसके अलावा एक्सफोलिएशन के लिए कोई आपके पास स्क्रब होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो एसिड वाले पैड्स आते हैं जो कि हम घर में यूज़ करने के लिए देते हैं, और मास्क भी दिए जाते हैं. अच्छा, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जितना साउंड कर रहा है. अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो 10 चीज़ों के नाम ले रही हैं और ऐसे कह रही हैं कि बस आप ये हर वक्त और रोज़ इस्तेमाल करते रहें, ऐसा नहीं है. जो स्क्रब है वो हम ज़्यादातर ट्वाइस या थ्राइस वीकली, यानी हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा बताते हैं. उसके अलावा जो है जो आपका टोनर प्लस क्लेंजर है वो जहाँ आप फेस वॉश रखेंगे वहीं पर होना चाहिए, कि आपको पता हो कि आप बाहर से आए हैं या किचन में से निकले हैं काम करके, तो आप सीधे जो है वो ठंडे पानी के छींटे मार के मुँह नहीं धोएंगे. आप पहले टोनर प्लस क्लेंजर को कॉटन पर डाल के उससे स्किन को साफ करेंगे, उसके बाद आपने उसको वॉश करना है. फिर हम आ जाते हैं कि जो मास्क होता है वो तो वंस वीकली काफ़ी होता है. उसी तरह से जो आपके क्लिनजिंग के लिए ग्लाइकोलिक एसिड के पैड्स वगैरह होते हैं, या सैलिसिलिक एसिड के पैड्स होते हैं, जो कि एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करते हैं, सीबम और कैरेटिन का प्लग नहीं बनने देते आपके पोर्स में, वो सारे का सारा जो है वो आपने हफ्ते में एक दफ़ा करना होता है. तो ये कोई इतना मुश्किल या इतनी मुश्किल रूटीन नहीं है. सैटरडे एक ऐसा दिन हो सकता है जिसमें आप अपना मास्क जो है वो, और उसके अलावा जो आपके डीप क्लिनजिंग पैड्स हैं उनको यूज़ कर लें. अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, कि ये चीज़ें तो वो हैं जो आप अपनी रूटीन में घर में कर सकते हैं, बट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इनको करने के बावजूद, या आपको पता नहीं होता कि ये आपके लिए सूटेबल है, कौन सी चीज़ आपके लिए सूटेबल है, उसके लिए कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक दफ़ा डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको आपके सूटेबल प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेदर के हिसाब से और आपकी स्किन टाइप या रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता देंगे. फिर हम आ जाते हैं आपकी इस चीज़ पे कि आपने अगर उसको यूज़ करके भी आपकी चीज़ जो है या आपकी स्किन ठीक नहीं रहती है तो फिर आपने क्या करना है. फिर आप हमारे पास आएंगे तो हम आपको प्रोफेशनल डीप क्लेंसिंग करके और उसके साथ जो है वो हम पील्स जो हैं वो देते हैं, जिससे फिर आपका ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा. जब इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो मेंटेनेंस के लिए आप घर में चीज़ें यूज़ करते रह सकते हैं. देखें, स्किन हमारा बहुत बड़ा एसेट है, और सबसे पहला इंप्रेशन जो है जब हम किसी से मिलते हैं तो वो इसी का जाता है. इसलिए इसकी हिफाजत करना और इसको सही रखना उतना ही ज़रूरी है जितना किसी भी मेजर ऑर्गन को रखना ज़रूरी है, बाकी मेजर ऑर्गन्स को. और अगर आप हेल्दी होते हैं तो स्किन हेल्दी लग रही होती है. जो भी लोग इस रूटीन को नहीं कर रहे हैं फॉलो, वो इसको ज़रूर फॉलो करें. और राइट चॉइस ऑफ सनब्लॉक एंड राइट चॉइस ऑफ कॉस्मेटिक्स भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त आप उनको लगाएंगे तो अगर आपके 8-8, 9-9 घंटे मेकअप लगा रहता है और आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं तो फिर तो वो क्लॉग हो गए हैं. फिर उसके अंदर वाइट हेड बनना या ब्लैक हेड बनना तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ होगी, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. हम क्लिनिक में इसके लिए
लिए क्या देते हैं, हम क्लिनिक में इसके लिए जो है वो पील्स देते हैं। इसके अलावा जो है वो LED फेशियल्स भी दिए जाते हैं इसके लिए। इसके अलावा जो है वो हम लाइट थेरेपीज और भी होती हैं जिनको हम देते हैं पील्स के अलावा या उनके साथ मिला के, जिसकी वजह से जो है वो फिर आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। खुश रहें और हेल्दी स्किन के साथ रहें और अच्छे दिखें, और अच्छे दिखेंगे तो आप लोग अच्छा सोचेंगे भी और खुश भी रहेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स।